31 जुलाई नूं होए मलेरकोटला कौंसलर दे कतल दे मामले च पुलिस ने कतल करन वाले दोवें शूटरां नूं काबू कर लिया। मोहम्मद आसिफ ते मोहम्मद मुर्शद नूं पुलिस ने कतल दौरान वरते देसी पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस ते मोटरसाइकिल सने काबू कीता। पुलिस मुताबक इस कतलकांड दे मुख साजिशकार वसीम इकबाल ने कौंसलर दे 2.5 करोड़ रुपए दबण दे इरादे दे नाल अपने साले मोहम्मद आसिफ नाल 20 लाख रुपए च कौंसलर अकबर पोली दा कतल करन दी साजिश रची सी। वसीम इकबाल ने कतल नूं अंजाम देण दे लई यूपी तो देसी पिस्तौल खुद खरीद के लियांदी अते एतवार 31 जुलाई नूं अपने साले मोहम्मद आसिफ अते उसदे साथी मोहम्मद मुर्शद नूं पिस्तौल दे के कतल करन दे लई भेजिया सी। दोवां शूटरां ने जिम दे अंदर दाखिल होके कौंसलर नूं गोली मारी सी ते फिर इकबाल वसीम दे घर चले गए, जिथे दोवां नूं उसने सिर्फ 27,000 रुपए दे के बाकी रकम बाद च देण दा वादा कीता सी। जिहड़े 3 मुलजम हैगे आ, मेन साजिशकर्ता जो कॉन्सपिरेटर हैगा वसीम इकबाल उर्फ सोनी और उसके नाल दे 2 होर मुलजम शहजाद ते तहसीन वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उसे दी लड़ी विच अगे जिहड़े 2 मुलजम बाकी सीगे जिहड़े कि शूटर सीगे जिन्हां ने जो बाइक ते आए सीगे गोली चला के और उत्थों फरार हो गए सीगे, वो थोनों दसना चाहुंदे आ वी साडी टीम दी मेहनत नाल वो दोनों जिहड़े मुलजम है वो भी अज अरैसट हो चुके हैं। मुहम्मद आसिफ जिसकी उम्र का तकरीबन 22 साल और मुहम्मद मुर्शिद 18। ABP सौंचा जोश जज्बा जुनून।